Good evening, ladies and gentlemen, and I would welcome everyone today. As our Honorable Union Minister for Health and Family Welfare has arrived, he is with us today, and downstairs you can see that he will soon be launching 19 food safety on wheels. With these wheels, these food safety on vehicles are well equipped to help our state functionaries to do food safety ecosystem and improve it at the ground level. These vans are also equipped to do testing and surveillance in far-flung areas. At the same time, these vans can also be utilized by the state functionaries to do training and awareness generation programs from one place to another. So I would again like to welcome all of you, and may I request everyone to kindly be seated, because the minister has arrived and very soon he will be joining us upstairs. Thank you so much. Easy flow of the program today. Thank you. Please keep your mobiles on mute.
एक्चुअली दो साइमल्टेनियसली ऑन होना चाहिए, एक का बंद हो जाता है। हेलो हेलो, तो इसको हटा ही देते ना, फिर इसको हटा ही देते ना। हेलो, क्या डिस्टरबेंस? कुछ जाने दो ना यार।
गांधी जी देख रहे हैं। सभी को नमस्कार। बड़े ही उत्साह के साथ हम यहाँ मौजूद सभी अतिथिगण का तहे दिल से स्वागत करते हैं। उनके लिए जोरदार से तालियां। आज हम यहाँ अपनी पिछले वर्ष की सफलता और FSSAI के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं श्री मनसुख मांडविया जी, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी। इस उपलक्ष पर हमारे साथ श्री विकासशील अपर सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से भी आए हैं, जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ डेवलपमेंट पार्टनर्स, उद्योग प्रतिनिधि एवं संघ तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सदस्य भी मौजूद हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशन जैसे CII, फिक्की, एसोचैम, PhD चेंबर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स जैसे गेन, पाथ, टाटा ट्रस्ट, NI और बाकी स्टेक होल्डर्स जैसे नेटप्रोफैन, साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर्स और उनके स्टाफ और बाकी लाइन मिनिस्ट्रीज के सीनियर ऑफिशियल्स भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन माध्यम से। पहले हम हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं और मैं हमारी अध्यक्ष महोदया से आग्रह करूंगी कि वे माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें। अब मैं हमारे CEO महोदय जी से आग्रह करूंगी कि वे श्री विकासशील अपर सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का स्वागत करें। अब मैं श्री अरुण सिंघल CEO FSSAI को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, आदरणीय अध्यक्ष FSSAI श्रीमती रीता तेवतिया, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ श्री विकासशील और इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी सम्मानित अतिथिगण, FSSAI की स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी और ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय मंत्री जी का पदार्पण पहली बार FSSAI में सितंबर के माह में ही हुआ है। हम लोग आशा करते हैं और मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि अगले वर्ष जब FSSAI का स्थापना दिवस हो तो हमें यह सौभाग्य आपकी करुणामय उपस्थिति का प्राप्त हो उस दिन। मान्यवर, आपने अपनी पहली बैठक में जो निर्देश दिए थे
समयशीलता और समयबद्धता का, उसका हम लोग FSSAI में पालन कर रहे हैं। आपने जो निर्देश दिया था उसी के अनुसार 3 वर्ष का कार्यक्रम FSSAI में पहले ही बनाया गया था और 2030 के बजाय 2050 की एक फूड विजन बनाई गई थी भविष्य के परिदृश्य को देखते हुए। इसमें अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत खान पान की शैली और लोकल खाने पर भी जोर दिया गया था, मिलेट्स पर जोर दिया गया था। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि रॉकफेलर फाउंडेशन ने पूरी दुनिया से फूड विजन आमंत्रित करी थी और 1000 से अधिक फूड विजन्स में से FSSAI की फूड विजन 2050 को सर्वश्रेष्ठ 10 में पाया गया और पुरस्कृत किया गया था। सर, आपका निर्देश था कि टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए और इससे कंज्यूमर्स को सहूलियत होनी चाहिए। FSSAI में ई ऑफिस पूरी तरह से लागू है और एक भी फिजिकल पत्रावली अब नहीं आती। पिछले एक महीने से एक भी पत्रावली, फिजिकल पत्रावली मेरे पास नहीं आई है। जो भी रिसीट्स आती हैं उनको रिसीट स्टेज पर ही स्कैन करके डिजिटाइज कर दिया जाता है। जितने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हम लोग जारी करते हैं फॉसकॉस नाम के सॉफ्टवेयर के माध्यम से सब ऑनलाइन जारी होते हैं और यहाँ तक के जो पुराने लाइसेंस हैं उनकी फिजिकल फाइल्स को भी स्कैन करके हम लोग फॉसकॉस में ही अपलोड कर दे रहे हैं। सारे भुगतान और प्राप्तियां ऑनलाइन होते हैं, पेमेंट गेटवे के थ्रू होते हैं। अब एक भी चेक FSSAI में नहीं काटा जाता है। तो FSSAI सर पूरी तरह से पेपरलेस हो चुकी है सर आपके दिशा निर्देश के अनुक्रम में। पिछले एक साल में सर हमारी 3 महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं रही। पहली प्राथमिकता थी ट्रांसफैट को समाप्त करना। ट्रांसफैट की यात्रा आज से लगभग 10 वर्ष पहले शुरू हुई थी जब FSAI से ने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ एक व्यापक कंसल्टेशन किया था और उस समय 10% ट्रांसफैट की मात्रा निर्धारित की गई थी। इंडस्ट्री ने एक प्लेज भी लिया था कि हम अपने आप ट्रांसफैट को एलिमिनेट करेंगे। उसी यात्रा को जारी रखते हुए फिर बाद में इसको घटा के 5% किया गया, फिर इस वर्ष घटा के 3% हुआ है और 1 जनवरी 2022 से 2% इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट का लक्ष्य है जिसको एलिमिनेशन ऑफ ट्रांसफैट माना जाता है। तो इस प्रकार से जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे तब तक हमारा देश ट्रांसफैट से मुक्ति पा लेगा और ये WHO की सीमा समय सीमा से 1 वर्ष पहले हो जाएगा सर। इसी संदर्भ में एक हमने सर्वे इस समय कराया था देखने के लिए कि क्या स्थिति बनी है। अभी तक ट्रांसफैट सर्वे कराया है, उसकी रिपोर्ट आई है जिसमें आश्चर्यजनक स्थिति सामने आई है। उस रिपोर्ट का विमोचन सर आज आपके कर कर्णों से हम लोग कराएंगे। दूसरी प्राथमिकता सर कुपोषण की व्यापकता को देखते हुए फोर्टिफाइड फूड्स के ऊपर जोर देने की रही है। हम लोग खाद्य एवं रसद विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करके ICDS में, मिड डे मील योजना में और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फोर्टिफाइड फूड ग्रेन्स को बढ़ावा दे रहे हैं। MDM और ICDS में पूरी तरह से 100% फोर्टिफाइड फूड ग्रेन्स प्रयोग करने के आदेश हो चुके हैं सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो घोषणा की कि अगस्त 2024 तक पूरे देश में सारा खाद्यान्न जो बटेगा, जो चावल बटेगा PDS में, वो फोर्टिफाइड होगा। ये सर एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है जिससे एनीमिया को कम करने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। कुपोषण के साथ साथ सर मोटापा भी एक बड़ी भारी समस्या बनके हमारे देश में सामने आ रहा है और खासतौर पर जो युवा लोग हैं और जो बच्चे हैं उनमें मोटापे की समस्या ज्यादा पाई जा रही है। नई जीवन शैली के साथ खान पान की आदतों में परिवर्तन हो रहा है, पैकेज्ड खाना प्रचलित हो रहा है। हालांकि FSSAI संतुलित भोजन और खान पान के बारे में निरंतर जानकारियां उपलब्ध कराती रहती है लेकिन फिर भी नई पीढ़ी इन उत्पादों की तरफ आकृष्ट हो रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं को पैकेज खाने के शरीर के ऊपर प्रभाव या कुप्रभाव जो पड़ सकता है उसके बारे में सही जानकारी बहुत आसान तरीके से उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि उपभोक्ता चयन कर सके कि उन्हें कोई प्रोडक्ट खानी है कि नहीं खानी है। दुनिया में कई देशों ने इसके लिए फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का इस्तेमाल किया है और जहां जहां इसका इस्तेमाल किया गया है वहां वहां जंक फूड खाने की प्रवृत्ति में कमी आई है ऐसा देखा गया है। FSSAI भी फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
लेकिन इस बारे में जो उपभोक्ता समूह है और इंडस्ट्री है उनके विचारों में काफी भिन्नता है। कई चक्र वार्ता होने के बाद लगभग सभी मुद्दों पे आम राय बन गई है, एकमत बन गया है। केवल एक बिंदु रह गया है कि FOPL का स्वरूप कैसा हो, बाकी सारी टेक्निकल बातें तय हो गई। और ये सब निर्णय हुआ कि किसी हम भारतीय उपभोक्ताओं में एक व्यापक सर्वेक्षण कराएं और जो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए सबसे अच्छी FOPL पाई जाए उसका प्रयोग करें। ये सर सर्वेक्षण करने का कार्य हम लोगों ने IIM अहमदाबाद को सौंपा है, उन्होंने कार्य शुरू कर दिया है और जैसे ही IIM अहमदाबाद की संस्तुतियां प्राप्त हो जाती हैं उसके हिसाब से हम लोग एक रेगुलेशन बना के सर आपके सामने लाएंगे। मान्यवर, FSSAI के सभी कार्यक्रम जैसे ई ट्रेड चैलेंज फॉर डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें 168 जिले इस समय भाग ले रहे हैं, एक साल का कार्यक्रम है, वैसे ही ई ट्रेड स्मार्ट सिटीज चैलेंज जिसमें 110 शहर भाग ले रहे हैं या स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, इन सभी में रेगुलेटरी कार्य और सही भोजन के लिए आम जनता व फूड बिजनेसेस को प्रेरित करने का कार्य, इन दोनों को हम लोग बराबर वरीयता देते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में हम पूरे देश में 75 वॉकाथॉन और ईट्राइट मेला आयोजित करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। इस कड़ी में पहला आयोजन गुजरात में दहोद में किया गया। माननीय मंत्री जी से निवेदन है, प्रार्थना है कि एक वॉकाथॉन में अहमदाबाद में वो स्वयं भी समय देने की कृपा करें, उसका आयोजन उनके समय सारणी के अनुसार सुविधा अनुसार कर लिया जाएगा। अधिक समय ना लेते हुए मैं एक बार फिर से माननीय मंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि FSSAI के सभी कर्मी उनके दिए गए निर्देशों का पूर्णतया पालन सुनिश्चित कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं हमारी माननीय अध्यक्ष श्रीमती रीता तियोतिया जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने विचार प्रकट करें। नमस्कार। आदरणीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, मेरे साथी श्री अरुण सिंघल, श्री विकासशील, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण एवं हमारे साथी मित्रों, आप सभी को मेरे तरफ से भी आज खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भारत में आज हर क्षेत्र के लिए रेगुलेटर कार्यान्वित है, पर हमें हमेशा लगता है कि FSSAI एक तरह से भिन्न है। हमारा ध्यान जितना खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और सुरक्षा पर है उतनी ही हमारा ध्यान केंद्रित है आम जनता को सही भोजन की जानकारी उपलब्ध कराने में। इसी कारण से स्टैंडर्ड्स, खाद्य परीक्षण, लाइसेंसिंग आदि के साथ साथ ईट राइट इंडिया का हमारा जो प्रयास है वो महत्वपूर्ण है। वजह बहुत स्पष्ट है और सीओ साहब ने भी इसका उल्लेख किया कि हमारे देश में आज की जीवन शैली के साथ साथ हमारे खान पान की आदतें तेजी से बदल रही हैं, जिसके कारण कुपोषण के साथ हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह इत्यादि रोग बहुत तेज गति से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इन रोगों का मुख्य कारण हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में ईट राइट इंडिया और उसके अंतर्गत विभिन्न योजनाएं निवारक स्वास्थ्य की ओर कार्य करती हैं। हमारा सौभाग्य है कि माननीय मंत्री जी आज FSSAI में हमारे साथ हैं एवं हमें संबोधित व मार्गदर्शित कर रहे हैं। इस अवसर पर हम उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पहल, उदाहरण स्वरूप कोड्स ऑफ प्रैक्टिस फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, वेबसाइट इत्यादि का शुभारंभ कर रहे हैं। मुझे आशा है कि वह हमारी कार्यशैली विस्तार की एक झलक आपको दिखाएगी। इन पहल पर हमारे सहयोगी
विस्तार पूर्वक उल्लेख करेंगे ही। मैं इस अवसर पर सिर्फ हमारे तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स के महत्व पर प्रकाश डालना चाहूंगी। यह वार्षिक प्रतियोगिता से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गुणवत्ता सुधार तो होता ही है, इसके साथ साथ हमें हर राज्य की तकनीकी और आधारभूत संरचना की कमियों के विषय में भी जानकारी भी मिलती है। इन कमियों को दूर करने हेतु हम हर राज्य के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन करते हैं, जिसके माध्यम से हम राज्यों को तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके साथ ही हम खाद्य संरक्षण अधिकारियों को नमूना एकत्र करना, खाद्य सामग्री में मिलावट रोकना और अधिनियमों के संबंधित प्रशिक्षण व खाद्य व्यवसाय संचालकों को सुरक्षित व स्वच्छ खान पान के प्रशिक्षण पर भी कार्यरत है। हमारा निरंतर प्रयास यही है कि संपूर्ण भारत में एक समान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता रहे व फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स के जो अधिनियम हैं उनका समान कार्यान्वयन रहे। आखिर में मैं फिर इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय जी का एवं हमारे विशेष अतिथियों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। FSSAI ने पूर्व में राष्ट्रीय दुग्ध सुरक्षा और गुणवत्ता सर्वेक्षण 2018 जैसे कई समयबद्ध सर्वेक्षण किए हैं। मिलावटी खाद्य तेल की बिक्री की रोकथाम के लिए वर्ष 2020 में खाद्य तेलों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया और हाल में ही FSSAI ने ट्रांसफैट पर भी सर्वेक्षण किया है। FSSAI इंडिया एट 75 फ्रीडम फ्रॉम ट्रांसफैट बाय 2022 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दिशा निर्देशों के एक वर्ष पहले पूर्ण करने का इरादा रखता है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चलता है कि FBOs बड़े पैमाने पर ट्रांसफैट संबंधी नियमों का अनुपालन करते हैं। अब मैं श्री हरिंदर ओब्रॉय सलाहकार गुणवत्ता आश्वासन FSSAI से सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध करती हूँ। नमस्कार, मंचासीन भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी श्री मनसुख मांडविया जी, FSSAI की अध्यक्ष मैडम रीटा टिवटिया जी, FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधीक्षक अधिकारी श्री अरुण सिंघल जी, मंत्रालय से अपर सचिव श्री विकासशील जी, सभी अतिथिगण, हमारे प्रेस मीडिया के साथी एवं जो भी हमारे साथ आज जुड़े हैं ऑनलाइन मीडिया के थ्रू, उन सबको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि एक हमने एक शुरुआत की थी, एक बेसलाइन स्टडी की थी ट्रांसफैट और एक्रिलामाइड कंटेंट स्थापित करने की, जिसमें हमने 6 श्रेणियां बनाई थी। ये खाद्य पदार्थों की 6 श्रेणियां थी जिसमें 419 डिस्ट्रिक्ट में से 6245 सैंपल्स लिए गए थे खाद्य पदार्थों के, और 6 श्रेणियां थी जिसमें मिठाइयाँ थी, तले हुए खाद्य थे, बेकरी के प्रोडक्ट्स थे, कंपोजिट फूड थे और ऑयल्स और मार्जिन शॉर्टनिंग जैसी चीज। तो कैटेगरी एक, और मैं केंद्र बिंदु टच करूंगा यहाँ पे, कैटेगरी एक से पांच जिसमें कि हमने ऑयल वनस्पति शॉर्टनिंग मार्जिन नहीं लिया था, उसमें करीब 5176 सैंपल्स का एनालाइज की सैंपल्स की जांच की गई थी। उनमें ये पाया गया कि 5% से ऊपर हमें एक भी सैंपल नहीं मिला, 3% से ऊपर इंडस्ट्री प्रोड्यूस ट्रांसफैट का केवल 0.15% सैंपल पाए गए, और 2% से ऊपर और 3% से नीचे करीब 0.4% सैंपल ही पाए गए। सो कि जो कि जैसे बताया गया, जैसे हमारे CEO सर ने भी कहा कि बहुत ही एक अस्वस्थ स्थिति है हमारे लिए, लेकिन जब हमने कैटेगरी 6 देखी तो उसमें ट्रांसफैट के 5% से ऊपर ट्रांसफैट हमें एक भी सैंपल नहीं मिला, जिसमें करीब 1059 सैंपल लिए थे छठी कैटेगरी में, जिसमें 5% से ऊपर एक सैंपल नहीं पाया गया।
3% से ऊपर 7.1% सैंपल पाए गए और 2% और 3% सैंपल के बीच में करीब 9.4% सैंपल पाए गए। सर ये कुछ हमें की फाइंडिंग्स हमें मिली हैं और मैं अब आग्रह करूंगा हमारे माननीय मंत्री जी से कि हमारी जो रिपोर्ट है ट्रांसफैट की इसका विमोचन करें। एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र में काम कर रहे लगभग 45 अनुसंधान और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का एक नेटवर्क स्थापित किया है जो खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण के लिए वैज्ञानिक सहयोग का नेटवर्क नेट्सकोफैन है। नेट्सकोफैन पोर्टल सभी समूहों के लिए एक इंटरैक्टिव मंच है जहां हर कोई आसानी से अपने समूह की गतिविधियों की स्थिति को अपडेट कर सकता है और पोर्टल में एक ही स्थान पर समूह की गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए नेट्सकोफैन सचिवालय की फंक्शनैलिटी भी दर्शाई गई है। देवी और सजनों, हमारे माननीय मंत्री जी अब नेट्सकोफैन की वेबसाइट का लॉन्च करेंगे। फोर्टिफाइड फूड्स के लिए प्लस एफ, जैविक उत्पादों के लिए जैविक भारत, शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य उत्पादों के लिए हरे और ब्राउन रंग के डॉट जैसे विभिन्न लोगो पेश किए हैं ताकि उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए उपलब्ध खाद्य पदार्थों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में मदद मिल सके। भारत सहित दुनिया भर में आहार संबंधित बदलती आदतों और वीगन फूड्स की लोकप्रियता के कारण एफएसएसएआई ने भी एक लोगो बनाया है। इस लोगो से आसानी से वीगन फूड्स पदार्थों की पहचान की जा सकती है और वीगन फूड्स पदार्थों का गैर वीगन फूड पदार्थों से अंतर किया जा सकता है। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए प्रस्तावित लोगो का लॉन्च करें। दर्शाता है कि सामग्री प्लांट ओरिजिन की है। वी से उत्पाद की पहचान शाकाहार के रूप में होती है। तीन प्रमुख विषयों पर आधारित है, ईट सेफ, ईट हेल्दी एंड ईट सस्टेनेबल। एफएसएसएआई ईट राइट इंडिया के उद्देश्य को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। पूर्व में हमने लोगों को विभिन्न तरीकों से जोड़ने के लिए ईट राइट इंडिया के अंतर्गत विभिन्न चुनौतियों का शुभारंभ किया, जैसे ईट राइट सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट चैलेंज,
स्मार्ट सिटी चैलेंज, क्रिएटिविटी चैलेंज फॉर स्कूल चिल्ड्रन। अनुभव को आगे बढ़ाने और विस्तृत करने के लिए FSSAI ने अब 3 श्रेणियों के अनुसार ईट राइट रिसर्च अवार्ड्स एंड ग्रांट का शुभारंभ करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अतिरिक्त FSSAI का लक्ष्य भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और मान्यता देने के लिए विभिन्न एजुकेशन एंड रिसर्च संस्थानों के साथ व्यापक सहयोग करने के लिए भी प्रयास कर रहा है। नवीन अनुसंधान के चयन और पहचान के लिए विभिन्न एजुकेशन एंड रिसर्च संस्थानों के साथ ये सहयोग और जुड़ाव हमारे देश में खाद्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा। ईट राइट रिसर्च अवार्ड के अंतर्गत इंडिविजुअल्स को 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा, टीम्स को 5 लाख रुपया दिया जाएगा और इन दोनों ही श्रेणियों में 9-9 लोगों को ये मूल्य मिलेगा। ईट राइट रिसर्च इंस्टीट्यूशनल अवार्ड में 10 इंस्टीट्यूशंस को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और ईट राइट रिसर्च ग्रांट में 9 ग्रांट्स दिए जाएंगे 2 साल के लिए, जिसका मूल्य 50 लाख रुपए रहेगा। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वह कृपया ईट राइट रिसर्च अवार्ड्स एंड ग्रांट्स के वेब पेज का शुभारंभ करें। आवेदन प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू होगी। हमेशा ईट राइट इंडिया मूवमेंट में योगदान और समर्थन किया है। 2019 में जब FSSAI ने प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया तो कुल 22 कंपनियों ने आगे आकर प्लास्टिक कचरे को न्यूट्रल बनाने के लिए, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए तकनीक और तरीकों का पता लगाने की शुरुआत करने का संकल्प लिया था। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्लास्टिक की खपत को कम करने के मुद्दे पर उद्योग को शामिल करने के हमारे वर्तमान प्रयासों के भाग के रूप में फूड बिजनेसेस द्वारा आज प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने का संकल्प लिया जाएगा। 24 फूड बिजनेसेस इस पहल में शामिल हो रहे हैं। आज हमारे पास मौजूद है एमवे इंडिया, केलॉग इंडिया, कोका कोला, मॉन्डलीज, जुबिलेंट फूडवर्क्स, कारगिल इंडिया, पेप्सिको, मदर डेरी एंड परफिरिटी। हमारे पास ऑनलाइन माध्यम से हिंदुस्तान लीवर, डाबर इंडिया, ब्रिटानिया, मॉन्डलीज, पेरोर इंडिया, मैरिको, हर्बल लाइफ इंडिया, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स, नेस्ले इंडिया, ITC, हेक्टर बेवरेजेस, DFM, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एबोट न्यूट्रिशन इंटरनेशनल और AT फूड्स उपस्थित हैं। अब मैं शपथ पढ़ने के लिए सुश्री मीतू कपूर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CII फेस को मंच पर बुला रही हूं। Our first pledge is towards becoming plastic neutral. I request the members from industry to repeat after me. We as industry are committed towards becoming plastic waste neutral by collecting, processing and recycling 100% post-consumer plastic waste from across the country. Our second pledge is to reduce virgin plastic consumption. Request you to repeat after me. We as industry pledge to reduce the use of virgin plastic by redesign to reduce the quantum, replacement by alternatives and new innovations, accelerating the use of recycled plastics in food packaging,
in subject to an enabling regulatory regime and technology readiness. ने खाद्य और बेवरेज क्षेत्र में वर्जिन प्लास्टिक की खपत को कम करने के लिए भी अभी दूसरी शपथ ली थी। इससे सतत खाद्य रीतियों का पालन सुनिश्चित हो सकेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों को बेहतर वातावरण भी मिलेगा। व्यवहार परिवर्तन नागरिकों की भागीदारी के लिए प्रासंगिक FSSAI हमेशा कार्यशील है और किसी भी बड़े पैमाने के कार्यक्रम की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। FSSAI विभिन्न नवीन गतिविधियों जैसे वॉकथॉन, साइक्लोथॉन का आयोजन करके नागरिकों को शामिल करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपना रहा है। फेयर्स, कंज्यूमर अवेयरनेस ड्राइव्स और IEC गतिविधियों से व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम से टारगेट करती रहती है। हमने कुछ पुस्तकों का भी चयन किया है। ये पुस्तकें हमारी टीम द्वारा डिजाइन की गई हैं, हमारे प्रयासों और प्रतिबद्धता का समर्थन करती हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे देश में लोग स्वस्थ भोजन, संतुलित आहार और हमारे शरीर में समुचित कार्य के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भूमिका को समझ सकें। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस फॉर सेटिंग अप अ बेसिक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी। खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर चिंता बढ़ रही है। खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं वर्तमान में देश भर में फैली हुई हैं और ये परीक्षण सुविधाओं के मामले में भिन्न हैं। ऐसी प्रयोगशालाओं को स्टैंडर्डाइज करने और प्रयोगशालाओं की स्थापना मान्यता की सुविधा के लिए FSSAI द्वारा स्टैंडर्ड्स को निर्दिष्ट किया गया है और इसलिए इसके लिए एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का भी संकल्प लिया है। वे सार्वजनिक और निजी दोनों प्रयोगशालाओं पर लागू होंगे। मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी को स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस फॉर सेटिंग अप अ बेसिक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की पुस्तक का विमोचन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। कोड्स ऑफ प्रैक्टिस ऑन फूड सेफ्टी एंड हाइजीन। 12 कोड्स ऑफ प्रैक्टिस में सुरक्षित तथा स्वच्छ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग के बारे में मार्गदर्शन दिया गया है। इन्हें संबंधित मिनिस्ट्रीज और स्टेक होल्डर्स को भी भेजा जाएगा। ये कोड्स ऑफ प्रैक्टिस एग एंड एग प्रोडक्ट्स, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉर बॉटल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ नेचुरल मिनरल वाटर, prevention and reduction of aflatoxin contamination in peanuts, arsenic contamination in rice, street vended food, prevention and reduction of lead contamination in food, reduction of aflatoxin B1, hygienic practices for fruits and vegetables, prevention and reduction of mycotoxins in spices, reduction of contamination by aflatoxins in cereal grains, recommended international code of practice for packaging and transport of fresh fruits and vegetables. अब मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी से इन 12 codes of practices का विमोचन करने के लिए request करती हूँ।
इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत एफएसएसएआई ने अक्टूबर 2020 में रेसिपी रविवार का आरंभ किया, जिससे स्थानीय और मौसमी वनस्पतियों पर आधारित विभिन्न रेसिपीज को प्रस्तुत करने के माध्यम से आहारिक विभिन्नता को बढ़ावा मिले, इसलिए शुरू किया। पुस्तक में शामिल रेसिपियां हेल्दी एवं पौष्टिक हैं तथा भिन्न भिन्न प्रकार से परिवारों में आसानी से रेप्लिकेबल हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी से इस किताब के विमोचन का रिक्वेस्ट करती हूँ। कर्मचारियों के लिए समय समय पर विभिन्न स्तरों की योजनाएं बनाता है, जहां सभी को स्वास्थ्य खाने की आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रेसिपी कॉन्टेस्ट घर की रसोई टेस्टी भी हेल्दी भी का आयोजन 16 अक्टूबर 2020 को किया गया था, जहां एफएसएसएआई के कर्मचारियों ने नए नए व्यंजन प्रस्तुत किए थे और प्रतियोगिता के विजेता व्यंजनों को इस किताब में दिखाया गया है। अब मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस किताब का भी विमोचन करें। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव भारत का अपनाया है। इस पृष्ठभूमि के साथ भारत की आजादी के 75 इयर्स के अवसर पर इंडिजीनियस फूड चैलेंज नामक हेल्दी रेसिपी कॉन्टेस्ट शुरू किया गया था। चुनौती से जीतने वाली 75 रेसिपीज इस किताब में रखी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस किताब का भी विमोचन करें। भारत में प्रोटीन दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है और इस साल की थीम में प्लांट बेस्ड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन पर जोर दिया गया था। ये पुस्तक लोगों को हमारे आहार में प्रोटीन जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के महत्व और प्रोटीन के आसानी से उपलब्ध स्रोतों के बारे में बताता है, जो प्लांट्स बेस्ड ओरिजिन के हैं। मैं अब माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वह इस किताब का विमोचन करें। सहयोगी श्री आर के मित्तल जी से स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करना चाहती हूं और तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अग्रणी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की घोषणा भी करें। नमस्कार, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, चेयरपर्सन एफएसएसएआई मैडम रीता टिवटिया जी, सीईओ एफएसएसएआई श्री अरुण सिंगल जी, एडिशनल सेक्रेटरी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय श्री विकासशील जी तथा सभी गणमान्य अतिथिगण, आज ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी के सानिध्य में स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020-21 के परिणामों की
घोषणा की जाएगी तथा माननीय मंत्री जी द्वारा प्रथम तीन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया जाएगा। मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अनुसार FSSAI जन साधारण को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस एक्ट के अनुसार विभिन्न खाद्य पदार्थों के मानक तथा उनके पालन एवं सामान्य जनता को सुरक्षित एवं स्वास्थ्यप्रद खाद्य उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी FSSAI की है। तो सभी राज्यों तथा यूटीज में इस कार्य की मुख्य जिम्मेदारी वहां के फूड सेफ्टी कमिश्नर्स की है। फूड सेफ्टी एक्ट इस संदर्भ में सभी राज्यों को आवश्यक मैन पावर, बजट और अन्य रिसोर्सेज के लिए एम्पावर करता है, किंतु सभी राज्य व यूटीज में खाद्य सुरक्षा का कंप्लायंस लेवल अलग अलग है। इसी संदर्भ में FSSAI ने स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को शुरू किया, जिससे कि सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का एक कंपेरेटिव असेसमेंट किया जा सके और उनमें अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए एक हेल्दी कंपटीशन हो। साल 2018-19 के लिए पहले स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के परिणामों की घोषणा 7 जून 2019 को पहली बार मनाए गए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के अवसर पर की गई थी। आज इस अवसर पर वर्ष 2020-21 के लिए तीसरे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के परिणाम माननीय मंत्री जी के सानिध्य में जारी किए जाएंगे। इस इंडेक्स के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। यह इंडेक्स एक डायनेमिक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बेंचमार्किंग मॉडल है, जो कि खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों व उपलब्धियों के आंकलन के लिए एक ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इसमें मुख्यतः 5 मानदंडों के आधार पर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन व उपलब्धियों का इवैल्यूएशन किया जाता है। इसमें राज्यों के साइज व पॉपुलेशन के अनुरूप फूड सेफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग कल्चर व ओवरऑल इकोसिस्टम की उपलब्धता तथा अन्य संबंधित विभागों व सभी स्टेक होल्डर्स के पार्टिसिपेशन का आकलन किया जाता है। इसमें सभी जरूरी रेगुलेटरी स्टाफ तथा एडुकेटिंग ऑफिसर्स व अपीलेट ट्रिब्यूनल की उपलब्धता, राज्य व जिला स्तर पर सलाहकार समितियों का कॉन्स्टिट्यूशन तथा उनकी नियमित बैठकें, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में पार्टिसिपेशन इत्यादि को नापा जाता है। दूसरा मापदंड है कंप्लायंस या अनुपालन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है। इसका वेटेज 30% है और इसके अंतर्गत स्टेट व यूटीज के साइज व पॉपुलेशन के अनुसार फूड बिजनेसेस की लाइसेंसिंग में कवरेज देखी जाती है और इस संदर्भ में आयोजित स्पेशल ड्राइव्स, कैंप्स, वार्षिक वृद्धि, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जारी करने में लिया गया समय, इन सबको चेक किया जाता है। इसके साथ ही सभी स्टेट्स में हाई रिस्क फूड बिजनेस के इंस्पेक्शन, सैंपलिंग और टेस्टिंग का डाटा चेक किया जाता है। उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या एक्शन लिए गए हैं उनकी जानकारी ली जाती है। हेल्प डेस्क स्टेट्स में होनी चाहिए, इसकी उपलब्धता चेक की जाती है तथा डेडिकेटेड फूड सेफ्टी वेब पोर्टल भी अवेलेबल है कि नहीं स्टेट में। तीसरा महत्वपूर्ण मापदंड है फूड सोर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वेटेज 20% है और इसमें स्टेट और यूटीज में फूड सैंपलिंग की टेस्टिंग के लिए पर्याप्त टेस्टिंग लैब तथा ट्रेन मैन पावर की उपलब्धता देखी जाती है। इसके अतिरिक्त मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स की उपलब्धता तथा उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी चेक किया जाता है। चौथा मापदंड टेस्टिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का है, जिसकी वेटेज 10% है, जिसमें कि रेगुलेटरी स्टाफ, टेस्टिंग पर्सनल व फूड बिजनेस में काम करने वाले स्टाफ की ट्रेनिंग व कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए की गई गतिविधियों का इवैल्यूएशन किया जाता है। पांचवा मापदंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट का है, जिसकी वेटेज 20% है और जिसमें कि स्टेट्स द्वारा विभिन्न इनिशिएटिव्स जैसे कि फूड फोर्टिफिकेशन, ईट राइट कैंपस, हाइजीन रेटिंग, क्लीन स्ट्रीट फूड हब, भूख रुको इत्यादि में पार्टिसिपेशन व अचीवमेंट्स देखे जाते हैं। सभी स्टेट्स और यूटीज को 3 कैटेगरी में रखा गया है, जिससे कि तुलना समान क्षेत्रों के बीच में हो। प्रत्येक कैटेगरी में असेसमेंट और इवैल्यूएशन के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कि
आउटसाइड फूड टेस्टिंग एक्सपर्ट्स और फूड एंड न्यूट्रिशनल प्रोफेशनल्स भी शामिल थे। इस कमेटी ने स्टेट्स में यूटीज द्वारा दिए गए कार्यों की समीक्षा की तथा ऑनलाइन मीटिंग्स के द्वारा क्लेरिफिकेशंस लिए तथा एविडेंस चेक किए। इस समीक्षा में यह पाया गया कि उन स्टेट्स में यूनियन टेरिटरीज का प्रदर्शन अच्छा रहा जिनमें की फुल टाइम फूड सेफ्टी कमिश्नर्स है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जिनमें उचित संख्या में रेगुलेटरी स्टाफ है, टेस्टिंग की सुविधा है तथा राज्य व जिला स्तर पर एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स की जा रही है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में रैंकिंग के परिणाम स्वरूप काफी इंप्रूवमेंट्स देखे गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जो कि मुख्यतः रेगुलेटरी स्टाफ के लिए पोस्ट क्रिएशन में रिक्रूटमेंट, एडवाइजरी कमेटीज के कॉन्स्टिट्यूशन, फूड लेबोरेटरीज का मॉडर्नाइजेशन, फूड सैंपल्स की संख्या व टेस्टिंग से संबंधित है। इसके अलावा फूड बिजनेस के ट्रेनिंग व इनिशिएटिव्स में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि अब तक 5 लाख से ज्यादा फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है। देश में इस समय 2206 ई ट्रेड कैंपस है, 144 प्लेस ऑफ वर्शिप को बुक सर्टिफिकेशन स्कीम के अंदर सर्टिफाई किया जा चुका है, 28 क्लीन स्ट्रीट फूड हब को सर्टिफाई किया जा चुका है और 5 ईट एट स्टेशंस भी हैं जिनको सर्टिफाई किया जा चुका है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इस स्लाइड में आप देखेंगे कि जिन स्टेट और यूटीज में ने कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट किया है और उनके उनकी रैंकिंग में काफी वृद्धि हुई है, जैसे कि उड़ीसा, जिसका कि शुरू में रैंकिंग सिर्फ 13 थी 2 साल पहले तक, अब वो इस साल में उनकी रैंकिंग 4 है। हिमाचल प्रदेश भी रैंकिंग 10 से अब 6 पर आ गई है। सिक्किम की रैंकिंग 6 से 4 पर आई है। अरुणाचल भी सबसे नीचे था स्मॉलर स्टेट्स में, अब उसकी रैंकिंग 5 पर है। और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर 3 से 1 पर आ गया है तथा अंडमान निकोबार भी सेकेंड रैंकिंग पर आ गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, विभिन्न मापदंडों में जिन स्टेट्स और यूटीज ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया वो यहाँ दिए गए हैं। आप देखेंगे कि केरला ने जैसे कंप्लायंस में, टेस्टिंग और ट्रेनिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। गुजरात ने विभिन्न इनिशिएटिव्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। गुजरात में इस समय 50 ईराइट कैंपस है जिनमें से कि 11 जेल्स को भी सर्टिफाई किया जा चुका है। इसके अलावा गुजरात में 17 क्लीन स्ट्रीट फूड हब है जो सर्टिफाइड है तथा 23 प्लेस ऑफ वर्शिप है जो कि भूख स्कीम के अंडर सर्टिफाइड है। इसी तरह गोवा ने ह्यूमन रिसोर्सेज टेस्टिंग इनिशिएटिव्स में बहुत अच्छा काम किया। जम्मू कश्मीर ने कंप्लायंस और टेस्टिंग में काफी अच्छा काम किया। अब मैं लार्ज स्टेट्स कैटेगरी में, जिसमें कि 20 स्टेट शामिल हैं, उसमें सभी स्टेट्स द्वारा प्राप्त किए गए स्कोर्स व रैंकिंग दिखा रहे हैं। इसके अनुसार 72 के स्कोर के साथ गुजरात ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। केरला इसके बहुत ही क्लोज है, 70 के स्कोर के साथ सेकंड नंबर पर है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। इसके बाद स्मॉल स्टेट इंडेक्स में गोवा 63 के स्कोर के साथ में प्रथम स्थान पर है। मेघालय 53 के स्कोर के साथ में सेकंड प्लेस पर है तथा मणिपुर 46 के स्कोर से तीसरे स्थान पर है। यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर 67 के स्कोर के साथ में पहले स्थान पर है। अंडमान निकोबार 61 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है तथा दिल्ली 58 के स्कोर के साथ में तीसरे स्थान पर है। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकिंग के सभी स्टेट्स और यूटीज को शील्ड व सर्टिफिकेट प्रदान करें। इसमें मैं आमंत्रित करूंगा सबसे पहले गुजरात से जो आए हैं श्री जीएस गोहेल, क्योंकि वहां के फूड सेफ्टी कमिश्नर नहीं आ पाए, जो कि आज उनकी वहां मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक थी, तो मिस्टर गोहेल यहां पर आए हैं।
स्टेट पे दूसरे स्थान पे रहे हैं केरला का प्राइज लेने के लिए श्री राहुल जयसवाल जो कंट्रोलर ऑफ केरला हाउस वो यहाँ उपस्थित है। राहुल जी प्लीज आप आएंगे। श्री आशीष चटर्जी रेजिडेंट कमिश्नर आपको आमंत्रित करता हूं पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। स्मॉल स्टेट्स में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है गोवा ने। मैं मैडम ज्योति सरदेसाई को आमंत्रित करता हूं पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। सेकंड प्राइज के लिए भी आमंत्रित करता हूं श्री एस एन संगमा जो मेघालय से आए हैं। और स्मॉल स्टेट्स में थर्ड रैंकिंग के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अथिंग सिंह को जो मणिपुर के बिहाफ पर प्राइज कलेक्ट करेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार प्रथम रैंक पर है जम्मू कश्मीर। मैं श्री शकील उर रहमान फूड सेफ्टी कमिश्नर जम्मू कश्मीर को आमंत्रित करता हूं। सेकंड प्लेस पर है अंडमान निकोबार से श्री कुलदीप ठाकुर यहाँ पर है उनके रेजिडेंट कमिश्नर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुरस्कार ग्रहण करें। केंद्र शासित प्रदेश में तीसरी रैंकिंग दिल्ली की है। मैं मैडम नेहा बंसल से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर आएं। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री विकासशील जी को एडिशनल कमिश्नर एडिशनल सेक्रेटरी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय फॉर हिज स्पेशल रिमार्क्स प्लीज।
आदरणीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, एफएसएसएआई की माननीय अध्यक्षा श्रीमती रीता तेवतिया जी, सीईओ एफएसएसएआई श्री अरुण सिंघल जी, यहाँ उपस्थित ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, मेरे कुलीग श्री मंदीप भंडारी जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री में, इसके अलावा इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी एफएसएसएआई के स्टाफ, पार्टनर्स, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्वप्रथम तो मैं एफएसएसएआई को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज स्थापना दिवस के अवसर पर आपने बहुत सारे नए कार्य भी शुरू किए और बहुत सारी उपयोगी जानकारियों के विषय में सर्वेक्षण रिपोर्ट्स इत्यादि भी रिलीज की। सर, मेरा ये मानना है कि फूड सेफ्टी एक बहुत व्यापक विषय है, इसमें एफएसएसएआई अपना रोल रेगुलेशन की दृष्टि से, अवेयरनेस क्रिएशन की दृष्टि से बहुत सतत और तत्पर तरीके से कर रहा है, पर इसके साथ साथ हमें पूरे स्वास्थ्य तंत्र को इस काम में लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये केवल रेगुलेशन से होने वाला काम नहीं है, इसके लिए लोगों को इसमें जोड़ना बहुत आवश्यक है। जब तक लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति, अच्छे आहार के प्रति, संतुलित आहार के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये कार्य पूरा होने में कठिनाई होगी। सर, ये सुखद संयोग है कि इस वक्त मेरे पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का भी प्रभार है, जिसके अंतर्गत हम 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स दिसंबर 2022 तक प्रारंभ करने का लक्ष्य रख रहे हैं। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में सर, वर्तमान में जो डिजीज बर्डन में शिफ्ट देखा गया है, पिछली ग्लोबल स्टडी ऑन डिजीज बर्डन में ये पाया गया कि हमारे देश में अब संचारी रोगों से की समस्या कम हो रही है, और गैर संचारी रोग या जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिनको हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीजेस, उनकी समस्या बढ़ रही है। और जैसे जैसे राष्ट्र की औसत आयु बढ़ेगी, और हम थोड़ा सा अभी हम बहुत यंग नेशन है, हमारी औसत आयु करीब 29 वर्ष है, पर धीरे धीरे आगे जाकर एनसीडीज का ही मेन चैलेंज देश के सामने होगा। उसी को ध्यान में रख के सर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का फोकस एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ सर्विसेज पर है, जिसमें ना सिर्फ प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना और पूरे कंटिन्यूम ऑफ केयर में सुविधा उपलब्ध कराना, ताकि किसी को अगर रेफरल की आवश्यकता है तो वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ऐसे लोग जो उनको महंगे उपचार की, अस्पताल के उपचार की आवश्यकता पड़ती है, उसकी भी व्यवस्था सरकार ने की है। यानी आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से सर, न सिर्फ प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, बल्कि टर्शियरी केयर तक की भी लिंकेजेस सरकार ने बनाई हैं, और ये दोनों ही योजनाएं अब बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं। परंतु हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में सर, उपचार उपलब्ध कराने के अलावा एक नया फोकस सरकार ने दिया है, और वो प्रिवेंशन पर है। प्रिवेंशन की दृष्टि से सर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में वेलनेस एक्टिविटीज का आयोजन किया जाता है। हमारी शुरू से ही अप्रोच ये रही है कि हम कन्वर्जेंस सुनिश्चित करें। सरकार के वेरियस डिपार्टमेंट्स, विभिन्न विभाग बहुत सारे अभियान इस समय इस प्रकार के चला रहे हैं, जिनको यदि सबको एक साथ मिलकर इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम इस स्वस्थ भारत के सपने को और लोगों को अपने स्वयं के स्वास्थ्य के विषय में जागरूक करने की दिशा में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और वही अप्रोच सर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से हमारी रही है, चाहे वो ईट राइट ईट सेफ मूवमेंट एफएसएसएआई का हो, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का फिट इंडिया मूवमेंट हो, इन सभी चीजों को या आयुष पद्धतियों और परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने की बात हो, इन सभी को सम्मिलित करके प्रिवेंशन पर भी बहुत सारा कार्य किया जा रहा है सर। और जितने भी आज एफएसएसएआई ने बहुत सारे लैंडमार्क पब्लिकेशंस रिलीज किए हैं, मैं आश्वस्त करता हूं सर कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से जहां भी आवश्यकता होगी इन जानकारियों को लोगों तक ले जाने के लिए, हम मिलकर एफएसएसएआई के साथ काम करेंगे, ताकि ये जितनी भी जानकारियां हैं जन सामान्य तक पहुंच सके। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एक ऐसा माध्यम हो सकते हैं जहां पर वेलनेस एक्टिविटीज के साथ साथ इस प्रकार की भी जानकारी का प्रचार प्रसार लोगों के मध्य किया जा सके। हमारे पास सर, देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्य करने के लिए सामान्यतया फोकस
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर रहता है, परंतु उसके लिए 10 लाख से अधिक आशा बहनें हैं जो कि विभिन्न जो हमारे जिन रोगों का प्रबंधन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अभी किया जाता है उसके बारे में लोगों को जानकारियां भी देती हैं और उसके विषय में स्क्रीनिंग इत्यादि का कार्य भी करती है। तो आशा बहनों के माध्यम से भी स्वस्थ जीवन, बेहतर भोजन इत्यादि के जो जानकारियां हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं। इस दिशा में भी जो आवश्यक प्रयास होंगे सर आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में मंत्रालय पूरी तरह से लगकर करेगा। मैं अंत में पुनः FSSAI की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं सर कि जैसा सीओ सर ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा था, अगले वर्ष जब हम पुनः स्थापना दिवस मनाने के लिए इकट्ठे होंगे तो मेरा एक सुझाव है सर कि हमें इसमें जो हमने अवार्ड रखे हैं इसमें एक फिट हेल्थ वर्कर अवार्ड और एक फिट मिनिस्ट्री अवार्ड, सर जितने केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं उनमें से कौन सा मंत्रालय सबसे फिट है इसका भी अवार्ड एक रखा जाए सर, उससे भी बहुत बहुत जानकारी प्रचार प्रसार, लोगों में कौतूहल और इसके विषय में थोड़ा लोगों में अवेयरनेस उस माध्यम से आ सकती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हमारे माननीय मंत्री जी युवा अवस्था से ही समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। आप गुजरात के लेजिस्लेटिव असेंबली के यंगेस्ट मेंबर रह चुके हैं। आप 38 की उम्र से ही गुजरात स्टेट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और इस दौरान काफी स्टैंडिंग कमिटीज के मेंबर रहे। आपने यूनाइटेड नेशंस को 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबोधित किया। आप इससे पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, शिपिंग एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स भी रह चुके हैं। आप फेमिनिन हाइजीन एंड विमेन राइट्स का समर्थन करते हैं और सक्रिय प्रतिनिधि भी बने हैं। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमें संबोधित करें। फसाई के चेयरपर्सन रीटा जी, अरुण सिंगल जी, विकास सिल जी, सभी उपस्थित भाई एवं बहनों, आज मुझे पहली बार FSSAI आना हुआ। टीम ने भी सोचा होगा कि मंत्री जी पहली बार आ रहे हैं, जितना काम है इतना निपटा दे, तो कई बुक रिलीज हो गई, 19 फूड टेस्टिंग वन को फ्लैग ऑफ किया गया, फूड सेफ्टी के लिए कंपटीशन में जो सक्सेस रहे ऐसे स्टेट को सम्मानित भी किया गया, और जब सिंगल जी अपनी बात रख रहे थे तो बता रहे थे कि हमने ये किया, मुझे खुशी भी हुई क्योंकि जब मैं मिनिस्ट्री में नहीं था तब फूड सेफ्टी के लिए मैं चिंतित भी रहा करता था और ये आवश्यक भी था, वो मुझे समझना भी मिला। और जो कुछ हो रहा है आज के दिन में एक टोटल अप्रोच का परिणाम है। एक समय था जब व्हाट इज हेल्थ एंड हेल्थ केयर एक ऐसी ही हमारे मन में छवि थी कि हॉस्पिटल में जाना, ट्रीटमेंट करना, ट्रीटमेंट इज ओनली हेल्थ। जी नहीं, एक त्रुटक सोच है। टोटल सोच क्या होती है? हेल्थ केवल ट्रीटमेंट नहीं है, हेल्थ केयर का जब आप कॉम्प्रिहेंसिव
एनालिसिस करें, अभ्यास करें तो पता चलता है आप क्या खा रहे हैं, कौन सा फूड ले रहे हैं, ये भी एक हेल्थ का पार्ट है। आप बैलेंस फूड ले रहे हैं, कैसे न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, ये भी एक हेल्थ का पार्ट है। आप माल न्यूट्रिशन के भोग तो नहीं है ना, ये भी एक हेल्थ का पार्ट है। प्रिवेंटिव केयर, ये भी एक हेल्थ का पार्ट है। आप योगा कर रहे हैं प्रिवेंटिव केयर के लिए, एक हेल्थ का पार्ट है। ये सब मिला के जब बच्चा आपके मां के पेट में होता है तब मां, उसकी मां को न्यूट्रिएंट फूड मिल रहा है, तब से एक हेल्दी माता हेल्दी बच्चे को जन्म देती है। और बच्चे हेल्दी रहे इसलिए उसके न्यूट्रिएंट बेज ख्याल रखना, संभाल रखना ये आवश्यक होता है, तब जाके एक हेल्थ बनती है। और इसलिए मोदी जी ने टोटल सोचा है, त्रुटक नहीं। और टोटल सोच का एक पार्ट है, जब आज यहां से मुझे बताया गया कि 90 फूड टेस्टिंग वन 90 डिस्ट्रिक्ट में दी गई है और 19 आज दी गई, मतलब 109 डिस्ट्रिक्ट में फूड टेस्टिंग वन होगी। और केवल फूड टेस्टिंग वन से पूरा नहीं होगा, उसके लिए ट्रेन मैन पावर हो चाहिए, उसके लिए एफर्ट चाहिए, उसके लिए वो यहां से तो वहां पहुंच गई लेकिन वहां उसका उपयोग होता है कि नहीं होता है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट सुनिश्चित करे, ये आवश्यक होता है। इसलिए 3 लोगों का इकट्ठा होना बहुत आवश्यक है। एक गवर्नमेंट की सोच, माय सेल्फ इज गवर्नमेंट। सेकंड, ऑफिसर्स, उसका इंप्लीमेंटेशन करना है। तीसरा, इंडस्ट्रीज। यहां मेरे सामने इंडस्ट्रीज बैठी है, जब वोट ले रही थी मुझे खुशी हुई, वो तय करते हैं कि हम फूड सेफ्टी का ख्याल रखेंगे, हमारी कंपनी में, हमारा प्रोडक्शन में प्लास्टिक रेसिड्यूस ना आए, उसका भी ख्याल रखेंगे। ये बहुत आवश्यक होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम हो या कोई भी व्यवस्था हो, उसमें एफर्ट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा, एफर्ट सामूहिक नहीं होगा, तब आउटपुट निकालना मुश्किल होता है। सरकार की सोच के अनुसार उसका इंप्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट। और तीसरा, इंडस्ट्रीज और पब्लिक। इंडस्ट्री स्वयं, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, छोटी मोटी हो, बड़ी हो, कोई भी फूड प्रोड्यूसर हो, वो क्या ऐसा ना सोचे कि मैं मिलावट वाला फूड बेचूंगा तो मेरे देश के नागरिक उसको खाएंगे, उसकी हेल्थ बिगड़ेगी, मेरे देश को लॉस होगा, उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना पड़ेगा, उससे खर्च होगा, उसका नुकसान मेरे देश को होगा। सब चीज को हम अपने दायित्व, अपने कर्तव्य और अपने नेशन के प्रति हमारा कमिटमेंट के साथ जोड़ सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि एक बार देश के नागरिक के ये मन बन गया तो मुझे नहीं लगता है कि फूड सेफ्टी में 100% गोल को अचीव करने में हमें कोई दिक्कत होगी। जो व्यक्ति शायद किसी ने गलत दे दिया या तो गलती से कुछ फूड दे दिया, बेच दिया, तो नागरिक की भी इतनी ही जिम्मेवारी है। ठीक है, बिगड़ा हुआ है मैं फेंक देता हूं, जी नहीं, ये तो आपने फेंक दिया, कई लोगों ने तो खा लिया, तो उसकी हेल्थ पर भी उसकी नेगेटिव इफेक्ट होगी, ऐसा नहीं करना है। इसलिए जनता भी एग्रेसिव रोल अदा करे, और उसके लिए व्यापक पब्लिक अवेयरनेस की आवश्यकता होती है। देश के नागरिक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को समझे, सब स्टैंडर्ड को भी समझे, ये आवश्यक होता है। हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी है, अनपढ़ लोग भी है। हम हमारी जिम्मेवारी को समझे। जो कोई जिसको ज्ञान नहीं है, जिसके पास ये नॉलेज नहीं है, हम नहीं बांट सकते उसको, हम उसको नहीं समझा सकते। ये भाव जब
हमारे देश के नागरिक में बन जाएगा तब देश आगे बढ़ने में सुविधा होगी। मोदी जी कई बार कहते हैं कि एक व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ते हैं तो एक ही कदम आगे बढ़ा जाता है, लेकिन 130 करोड़ की जनता जब 130 कदम एक साथ में आगे बढ़ाएंगे तो देश 130 करोड़ डग आगे बढ़ जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये सब एफर्ट में हम सब लोग साथ में मिलकर प्रयास करें, केवल फंसा ही करें इसे नहीं। यहां इस कार्यक्रम के माध्यम से कई लोग भी जुड़े हुए हैं, हम सब लोग तय करें कि हमें सब स्टैंडर्ड फूड तो देश की जनता को नहीं खिलाना है, और ये स्वयं में आएंगे, पोजीशन से आउटपुट लाना मुश्किल होता है। किसी को सजा कर दो ठीक है, व्यवस्था के तौर पर हो सकता है, लेकिन जब मन से आता है ना, जब एक अंडा होता है उसको आप तोड़ देते हैं तो उसमें जीव का मृत्यु हो जाता है। जब वह टूट के बाहर आता है तब एक जिंदा जीव अंदर से बाहर निकलता है। अंदर से जब कुछ निकलेगा तो नया सृजन होगा। आप कभी किसी पर, मैं किसी के सामने एक्शन ले सकता हूं, कोई ने सब स्टैंडर्ड फूड बेचा तो हमने एक्शन ले लिया, लेना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि वो टोटल सॉल्यूशन नहीं है। टोटल सॉल्यूशन ये अपने में है, और दिशा में मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ हुआ है लेकिन ज्यादा करना बाकी है। अगले दिनों में हम सब लोग साथ में मिलके देश के नागरिक स्वस्थ बने। देश के नागरिक को स्वस्थ बनाने के लिए उसको बैलेंस न्यूट्रिएंट मिले, उसको अच्छा फूड मिले, तब जाके समाज का निर्माण करेगा, और स्वस्थ समाज स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेगा, देश को एक स्वस्थ और डेवलप्ड कंट्री की दिशा में हमें आगे ले जाना है। तो हमारा दायित्व बनता है कि इसके लिए हमारे देश की नागरिक की सोच इस दिशा में होनी चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि हम सब लोग अपने स्वयं को एफर्ट लेके एक फूड सेफ्टी के लिए बेस्ट प्रयास करें, और मोदी जी का सपना नया भारत का निर्माण का है। हम एक ऐसा नया भारत बनाए जिसमें हिंदुस्तान के कोटि कोटि नागरिक, हर कोई नागरिक स्वस्थ हो, हर कोई नागरिक कमिटमेंट और डेडिकेशन से नेशन के लिए काम करता हो, ये भाव ही हमारे देश को आगे ले जाएगा। आप सब लोगों को मेरी ओर से खूब खूब शुभकामनाएं, धन्यवाद। असंख्य धन्यवाद सर, आपके विचारशील और प्रेरणादायक शब्दों से हमें अवलोकित करने के लिए। आपके नेतृत्व में FSSAI अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए इसी तरह मेहनत करता रहेगा, और साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि हर नागरिक एक सुरक्षित, स्वस्थ और पौष्टिक आहार प्राप्त कर सके। अब मैं श्री राजीव जैन, कार्यकारी निदेशक FSSAI को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आज की सभा समाप्ति पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मंच पर आए। आज के कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में धन्यवाद ज्ञापित करना मेरा सौभाग्य है। हम तहे दिल से आभारी हैं मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी के, जिन्होंने आज हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। सर, आपके संबोधन से आज हमें एक समग्र सोच का आयाम मिला है। आपके निर्देशन में FSSAI लोगों को फूड सेफ्टी और टोटल हेल्थ के लिए और अधिक जागरूक बनाने के लिए प्रयास करता रहेगा। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं श्री विकासशील जी, अपर सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय को हमारे मार्गदर्शन के लिए। हम चेयरपर्सन मैडम रीता तेवतिया जी और CEO FSSAI श्री अरुण संघल जी के प्रति उनके मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करते हैं, और फूड सेफ्टी तथा ईट राइट इनिशिएटिव के प्रति अपने संकल्प को दोहराते हैं। हम आभारी हैं उन सभी स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर्स के जो यहाँ पर पधारे
और उनके भी जो वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। एफएसएसएआई और स्टेट फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा देश में खाद्य संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम से कदम मिलाकर काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी क्रम में हमारा धन्यवाद यहाँ पधारे और वर्चुअली जुड़े फूड बिजनेस ऑपरेटर्स और इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस को, जो फूड सेफ्टी की सबसे अहम कड़ी है। फूड सेफ्टी और ईट राइट इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में एफएसएसएआई विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रयोग को सर्वोपरि रखता है। हम कार्यक्रम से जुड़े नेट्स कोफेन, नेट प्रोफेन के सदस्यों समेत अन्य रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति आभारी हैं। कार्यक्रम में शामिल एफएसएसएआई के सभी नेटवर्क पार्टनर्स और मीडिया के हमारे मित्रों को भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अंत में इस कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों और एजेंसियों को धन्यवाद। जय हिंद।